ये देखो, ये भी हमारी टीचर और ब्यूटीशियन दोनों ही। हाय। ब्रेकफास्ट कर लिया, सारा खा गई? नहीं है, आधा खाया अभी। आधा खाया? मेरे से कभी खा गई ना? अच्छा ठीक है। तो वेलकम बैक दोस्तों, और स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। हमारी सिस्टर कोमल बहन, जैसा कि मैंने पहले बताया था, उनका पार्लर का कोर्स कंप्लीट हो गया है और आज जा रही है इंटरव्यू के लिए। लेकिन डिफरेंट बात यह है कि डिफरेंट फील्ड में इंटरव्यू देने जा रही है मैडम। तो टीचिंग लाइन में इंटरव्यू देने के लिए जा रही है, ठीक है। और पूरे दिन हमारे साथ बने रहिएगा, धमाकेदार ब्लॉग करेंगे आज का। लेट्स गो। तो ब्रेकफास्ट अपना रेडी है एज यूजुअल, जो हमारा होता है एग टोस्ट। और यहाँ है हमारी मम्मी। हाय। और मम्मी मेरे लिए चाय कर रही है, ठीक है। और ये देखो, ये भी हमारी टीचर और ब्यूटीशियन दोनों ही। हाय। ब्रेकफास्ट कर रही है, सारा खा गई? नहीं है, आधा खाया अभी। आधा खाया? मेरे से कभी खा गई ना? अच्छा ठीक है। भाई हमारी कोमल बहन पहुंच चुकी है अपनी लोकेशन पे इंटरव्यू देने के लिए। कोमल बहन को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ठीक है, तो जाओ और हम लोग अब तक इसका यहीं पे वेट करते हैं। चलो, हमारी कोमल बहन आ चुकी है इंटरव्यू दे करके वापस, और बाद में बताते हैं कि इंटरव्यू में क्या हुआ, ठीक है। फिलहाल चल रहे हैं हम लोग कुछ खाने के लिए। कोमल बहन को फिर से भूख लगी है। हाँ तुझे? ठीक है चलो। तो भाई कोमल बहन का इंटरव्यू हो गया और अभी अभी घर आए, हमने चेंज कराया बस। और अब मैं कोमल बहन से तेल लगवाऊंगा, चमती करवाऊंगा, है ना कोमल? ठीक है, तो उसके बाद फिर लंच करते हैं। लंच में देखते हैं क्या है। तो ये अपने विशाल भाई अपने प्रोजेक्ट की तैयारी में लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं आज सालों के बाद। देखो भाई, हाय बोलो। हेलो। क्या बना रहा है? प्रोजेक्ट फाइल बना रहा हूँ अपनी यार। अच्छा। और हमारी मम्मी। हेलो मम्मी। हाय। और अब हम जा रहे हैं लंच करने है। लंच में देखो क्या है। लंच में है चाय और ये आलू मटर की सब्जी और पराठे, ठीक है। तो मम्मी अभी अभी बनाया, ताज़ा ताज़ा? हाँ अभी बनाए। तो ठीक है, खाना शुरू करते हैं। ओके। लंच बाद मिलता हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। ये देखो बाल कोमल ने अभी अभी चम्पी करी, चिपके चिपके हो गए सारे, ठीक है। तो लंच करने के बाद मिलते हैं, लेट्स गो। तो भाई लंच कर लिया और एक ज़रूरी काम से साइबर कैफे जाना है, ठीक है। डैड के साथ निकलते हैं बाहर, क्योंकि भाई बाइक निकालना बस के लिए, बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, कीचड़ हुआ पड़ा है, तो मैं बाइक इसलिए निकाल नहीं रहा, बाइक गंदी भी हो रही है यार, ठीक है। जैसे बारिश थमेगी थोड़ा धुलवा लेंगे और अब चले पापा के साथ, लेट्स गो। क्या देख रहे हो भाई? अभी अभी जस्ट पापा के साथ होकर के आया हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर करूँगा रेस्ट, क्योंकि भाई थोड़ा सा मैं थक गया हूँ यार। थका तो नहीं, मतलब ऐसे ही सुस्ती आ रही है। टाइम हो गया है 3:30 और आज मुझे करना है वर्कआउट बहुत टाइम के बाद, मतलब बहुत टाइम तो नहीं, मे बी दिसंबर के बाद, और ये आधा जनवरी निकल गया अपना। आज से फिर से वर्कआउट शुरू करना है, क्योंकि भाई बीच में ठंड ऐसी हो रही थी ना, सस्ती वाला मौसम था, तो करने का मन नहीं कर रहा था। तो वर्कआउट थोड़ा छोटा हुआ था, तो जो भी चल रहा था बस वॉलीबॉल ही चल रहा था, सैटरडे संडे खेलने के लिए। वो भी कभी कभार बीच कुछ मिस हो जाता था, कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है घर के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर शुरू करेंगे वर्कआउट। तो मैं वर्कआउट का टाइम मिलूंगा आपसे, ठीक है, लेट्स गो। अब मैं चला अपनी निद्रावस्था में दोस्तों, और अभी अभी जस्ट सोकर के उठा हूँ मैं, और अभी जाना जरा मार्केट, जरा सब्जियाँ वगैरह लेके आनी है, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट से मार्केट से सब्जियाँ लेके आते हैं, और उसके थोड़ी देर बाद करते हैं अपना वर्कआउट, ठीक है। बहुत टाइम के बाद वर्कआउट करना है आज, मोटिवेट रहना है, लेट्स गो। तो यार डैडी के साथ अभी अभी आया हूँ, जब सब्जी वगैरह लेने के लिए गए थे मैं भी और पापा भी, और कुछ मेरा भी पर्सनल काम था, तो इसे थोड़ा सा टाइम लग गया आने में। और थोड़ा क्या मतलब, टाइम तो खैर ज़्यादा ही लग गया, 5:30 का वर्कआउट का हमारा टाइम था, लेकिन लेट हो गए, क्योंकि अब हो चुके हैं 7:30। तो भाई लेट हो चुके हैं, अब आधा घंटा 45 मिनट जो भी होता है, फटाफट वर्कआउट करते हैं, बहुत टाइम के बात कर रहे हैं। तो मिक्स वर्कआउट करूँगा, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। वर्कआउट छोड़े हुए सिर्फ 1.5 या 2 महीने हुए हैं, और इस टाइम ये जो बिग रॉड है ना, ये वाली रॉड भी भाई मुझे इतनी हैवी लग रही है कसम से, मतलब सिर्फ 1.5 से 2 महीने वर्कआउट छोड़ने पे इतनी हैवी रॉड लग रही है कि ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना हैवी वेट उठा रहा है यार, सच में, ठीक है। बट स्टिल शुरुआत ऐसे कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, ठीक है, लेट्स गो।
खत्म हो चुका फाइनली वर्कआउट अपना। और देखो पता नहीं तुम लोगों को दिख रहा है नहीं, लेकिन मुझे भाई साहब बड़े गजब का पंप फील हो रहा है। और स्पेशली इतने दिनों बाद किया वर्कआउट, शायद इसलिए हो सकता है। ठीक है, तो हालत ख़राब हो गई वैसे करने में, सच बताऊँ तो यार, क्योंकि मतलब वेट उठाने की बिल्कुल आदत ही नहीं रही ऐसा लग रहा बॉडी को, और वेट तो बढ़ा ही हुआ भाई। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते लाइन पर आने की से। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने डाइट के लिए, मम्मी ने एग उबाल रखे। तो भाई वर्कआउट अपना खत्म हो चुका है और मील की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। देख लो अंडे छील रहे हैं भाई। ठीक है, और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं भाई। ठीक है, और आई एम सो सॉरी दोस्तों यार, क्योंकि क्या कहते हैं जो वीडियो है वो कंटिन्यू नहीं डाल पा रहा हूँ, घर के अंदर थोड़े से काम फंसे हुए इसलिए, और तो इसलिए स्केड्यूल मेरा थोड़ा सा बिजी चल रहा है। बट फिर भी आप लोगों को एंटरटेन करने की भाई पूरी कोशिश रहती है, और जिस तरह से अभी तक बाकी वीडियोज़ को प्यार दिया उसी तरह से वीडियोज़ को भी देना। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, बाय बाय।